वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक अहम इजलास, आला हुकूमती और अस्करी हुकाम इजलास में शरीक। इजलास में कौमी सलामती और सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर का जायजा। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। तहरीक अदम एतमाद का सुन सुनकर थक गए, लेकर आनी है तो ले आए, हमने ऑपोजिशन के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बना ली। वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन आधा तीतर आधा बटेर है, उनकी हिकमत अमली पहले आने दे। चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ हैं, एतिहादियों के साथ राबते में हैं, मुलाकातें भी होंगी। हुकूमत ने ऑपोजिशन के कितने बंदे तोड़ लिए ये बात अभी खुफिया है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब, बोले कौम पर कठपुतली और सिलेक्टेड मुसल्लत किया गया। तब्दीली के नाम पर तबाही आई, हर तरफ मायूसी। मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, जिससे निजात दिलाने इस्लामाबाद जा रहे हैं। मुराद अली शाह बोले बिलावल भुट्टो के मार्च के 24 घंटे बाद ही सिलेक्टेड ने घबराना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज पंजाब में दाखिल होगा। इमरान खान के नज़रिया सिंध के लोगों को निजात दिलाना है, अवाम साथ दें तो सांगढ़ से पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च से खिताब। अली जैदी बोले वज़ीर आला समेत सब ट्रक पर बैठे हैं, सूबा कौन चलाएगा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रवा दवा, आज आखिरी पड़ाव मीरपुर खास में होगा। पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं और एफबीआर का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया। तो मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का इजरा कर दिया। कहा पाकिस्तान को इस्लामी असूलों पर खड़ा कर रहे हैं, कौम से वादा है जितना टैक्स देंगे वो निचले तबके पर लगाएंगे। इमरान खान की फरवरी में 441 अरब टैक्स जमा करने पर एफबीआर की तारीफ, बोले पैसे ज्यादा आए जिस वजह से पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की, आइंदा दिनों में आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत आईएमएफ और आवाम दोनों को धोखा दे रही है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। दुआ है इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत पर यू टर्न ना लें। आईएमएफ को खुश करने के लिए आवाम और आवाम को खुश करने के लिए आईएमएफ को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए मुआशी कौमी और अवामी मफादात कुर्बान किए जा रहे हैं। मुतहदा अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। हुकूमत के 25 नाराज अरकीन असेंबली की हिमायत पर अपोजिशन ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पहले कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दी जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदम एतमाद काफ लीग के बगैर भी कामयाब हो जाएगी। इमरान खान के इकदाम घबराहट का नतीजा है, मुल्क पर कर्जों और महंगाई में इजाफा होगा। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्की बुनियादें हिला देता है। शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले बिलावल भुट्टो का मार्च अपना ही मार्च है, इन्हें इस्लामाबाद आने दें सब ठीक होगा। वज़ीरे दाखला ने पीडीएम को लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाने का मशवरा भी दिया। मजीद कहा इमरान खान ने पेट्रोल बिजली सस्ती कम करके पहली बार गरीब आवाम को सहूलत दी, अशियाए खुर्दनोश भी सस्ती होनी चाहिए। एम क्यू एम इसलिए वजूद में नहीं आई कि हुकूमतें बनाए और हटाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत को हटाने से पहले सोचना होगा लाना किसको है। अपोजिशन से पूछा तब्दीली के बाद करेंगे क्या, खान साहब से भी पूछते हैं अब तक क्या किया है। इमरान खान का हुकूमत में रहना इतना ज़रूरी नहीं जितना आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम को रिलीफ के लिए बड़ा पैकेज दिया। ऑपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं, कीमतें बढ़ें तो रोते हैं, कम हो तो रोते हैं। फारूक हबीब की खुसरो बख्तियार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर बोले, पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें मुस्तकिम अंदाज में रख दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस्ट्री पैकेज का ऐलान किया जिसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। खुला की सूरत में बीवी वसूल शुदा हक महर शौहर को 100% वापस करेगी। वफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला, अदाशुदा हक महर का सिर्फ 25% वापस करने का कानून गैर शरई करार दे दिया। अदालत ने पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट की दफात कल अदम करार दे दी। रूसी सदर को अंदाजा ही नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा प्यूटन को अपने इकदाम की महंगी कीमत चुकाना पड़ेगी। वो दुनिया में तनहा हो चुके, अमेरिका नेटो रुकन ममालिक की एक एक इंच जमीन की हिफाजत करेगा। अमेरिका ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। रूसी तेल की अमेरिका बरामद पर भी पाबंदी लगाने पर इत्तफाक। खाम तेल की कीमत 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $110 फी बैरल की सतह उबूर कर गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल का नर्ख $108 फी बैरल से ऊपर। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, आज भी लाल रंग गालिब रहा। आलमी मार्केट में सोना, चांदी, सोयाबीन ऑयल और गंदम समेत सब कुछ महंगा हो गया। $4,000 के करीब महंगी गाड़ियां समुंदर बुर। जर्मनी से अमेरिका जाने वाला फ्लैसी नामी बहरी जहाज डूब गया। नुकसान का तखमीना $155 मिलियन लगाया गया। मुल्क में बारिशें बरसाने वाली हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। बलोचिस्तान के बाद पंजाब के चंद शहरों में भी बादल बरसे। मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, जंग और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बुरेवाला में तेज बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की बैनो कादर ट्रॉफी की रुनमाई। सीरीज को लेजेंडरी स्पिन बॉलर रिची बैनो और अब्दुल कादिर से मंसूब किया गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को मुकाबले सख्त होने का यकीन। पैट कमिंस भी जीत के लिए पुरउम्मीद। दोनों टीम्स ने आज भी पिंडी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। चीफ सेक्रेटरी और IG का स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शुरू होगा। अमन, मोहब्बत और यकजहती की अलामत बलोच सकाफत। बलोच कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। बलोचिस्तान भर में तकरीबात, सर पर बलोची पगड़ियाँ, तन पर रवायती वास्केट और शॉल, हाथों में तलवारें थामे नौजवानों की रैलियाँ, ढोल की थाप पर रक्स। कराची समेत सिंध भर में भी तकरीबात जारी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बलोच कल्चर डे पर बलोच भाइयों को मुबारकबाद।